दोस्तों एक Realme का फ़ोन ब्लास्ट हो चुका है। जैसा कि आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हो, ये फ़ोन Realme 6 Pro है जो कि ब्लास्ट हो चुका है और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में ब्लास्ट हुआ है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। और ब्लास्ट में अक्सर होता है कि आपका जो बैटरी है वही एक्सप्लोडेड हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। इसमें भी उसी तरीके से हुआ है, कोई अन्य चीज़ अलग से नहीं होता है। और आप यहां पर देख पा रहे हो कि फ़ोन तो ब्लास्ट हुआ ही है और ब्लास्ट होने के साथ ये फ़ोन बैंड भी हो चुका है। और बैंड होने के साथ इसका जो कवर वगैरह है, सभी में बैटरी वाला जो मटेरियल होता है वो लग चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो फ़ोन काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में ब्लास्ट हुआ है। और ऐसा आपने कई बार सुना भी होगा कि बहुत सारे फ़ोन ब्लास्ट होते हैं। हाल ही में OnePlus Nord 2 हो गया, ये फ़ोन तीन चार फ़ोन ब्लास्ट हो चुका है OnePlus Nord 2 का। और यहाँ पे जो Realme 6 Pro है ये भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में ब्लास्ट हुआ है। और दोस्तों फ़ोन का ब्लास्ट होना कोई नई बात नहीं है, फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है। अगर आप कुछ गलत तरीके से यूज़ करते हो तो आपका फ़ोन पक्का ब्लास्ट करेगा, जैसे कि अगर आप चार्जिंग के दौरान गेमिंग करते हो तो ब्लास्ट कर सकता है। और भी कई सारे मेजर चीज़ होते हैं जिसके वजह से आपका जो फ़ोन है वो ब्लास्ट हो सकता है। और आपने इससे पहले भी कई सारे फ़ोनों को देखे होंगे जो कि ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट होने के पीछे आप ही का हाथ होता है और ये चीज़ आपके एक्टिविटी पे वर्क करता है कि किस तरीके से क्या होने वाला है। बिकॉज Realme 6 Pro ये काफ़ी अच्छा फ़ोन था। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग भी है यानी 30 वाट का चार्जिंग है, 4500 mAh का सेट बैटरी है। फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने पहली बार Realme के फ़ोन को ब्लास्ट होते देखा है। और इनका जो Realme 6 Pro ब्लास्ट हुआ है वह कॉलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ है, ऐसा इन्होंने कंफर्म करके बताया। और दोस्तों किस तरीके से क्या हुआ है ये इन्वेस्टिगेशन करना कंपनी का काम है, मेरा काम है आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर देना कि Realme 6 Pro स्मार्टफोन है ये ब्लास्ट हो चुका है और ब्लास्ट काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हुआ है और ब्लास्ट कॉलिंग के दौरान हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। कुछ चीज़ों को यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, प्लस में Realme का जो कम्युनिटी होता है उसमें इस चीज़ों को पोस्ट भी किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये चीज़ सारा अपने तरीके से पोस्ट कर दिए हैं इन्होंने। और ये फ़ोन मुझे लग रहा है कि 2 साल पुराना हो ही गया होगा तब जाके ये ब्लास्ट किया होगा। नए कंडीशन में फ़ोन बहुत कम ही ब्लास्ट करते हैं। OnePlus Nord 2 ही एक ऐसा स्मार्टफोन था जो न्यू कंडीशन में 2 या 3 फोन ब्लास्ट हो चुका है। तो सबसे घटिया पोजीशन में अभी OnePlus Nord 2 ही रहा है जो न्यू कंडीशन में यानी बाय करने के 2 या 3 दिन बाद ही ब्लास्ट हो चुका था। तो ऐसा कंडीशन OnePlus में ज़्यादा देखने को मिला है। बाकी ये जो Realme का फ़ोन है मुझे लग रहा है कि 1.5 साल या फिर 2 साल पुराना होने के बाद ही ब्लास्ट किया होगा। और ब्लास्ट करने के पीछे आपका एक्टिविटी भी डिपेंड करता है, बिकॉज किस तरीके से आप यूज़ करते हो ये तो आप ही को पता होगा। और मैंने कई सारे ऐसे मेजर प्रॉब्लम को बताया जिसकी वजह से आपका फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है। और कई बार कंपनी का भी इशू होता है कि वो गलत तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट को प्रोवाइड करा देती है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आने लगता है और आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका फ़ोन ब्लास्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो अक्सर देखा जाता है वह कुछ इसी तरीके से होता है कि गलत तरीके से अपडेट को पुश किया जाता है और उस अपडेट को करने के बाद आपका फोन हिट करता है और हिट करने के बाद हो सकता है आपका फोन ब्लास्ट भी कर जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसका जो भी रियल डिटेल्स है ये पता करना कंपनी का काम है, मेरा जो काम था इन्फॉर्मेशन देना वो मैंने आपको दे दिया। अगर आप चाहो तो इनका हेल्प कर सकते हो, इस पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप चाहो तो इनका हेल्प कर सकते हो रिट्यूट करके। बाकी फोन ब्लास्ट के बारे में आपका क्या विचार है आप बता सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में बताना था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।